दोस्तों ये जो है मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि कैसे जो मैंगो का जो ऑर्गेनिक खेती से जो मैंगो हुए हैं उनका तुड़ान कैसे किया जाता है। और ये आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत, ये जो है कौन सी वैरायटी है ये? ये बनारसी है, इसको लंगड़ा भी बोलते बनारसी भी बोलते। अच्छा, सबसे मीठा आम होता है, सबसे बहुत अच्छी वैरायटी है। अच्छा, हाँ जी, ये तो अधिकतर अपने लिए लोग यूज के लिए ये ले जाते हैं खाने पर। बहुत ही बढ़िया, मतलब सफाई देखो आप इसकी, तो इसमें किसी प्रकार साइज देखो। तो इसमें जो है कि इस कितनी लागत आती है एक पेड़ में, जो है लगभग कितनी लागत आती है? तो अगर कंपेयर किया जाए दशहरी और लंगड़ा में, तो इसमें कौन सा पेड़ जो है ज्यादा माफिक है, जो मुनाफा? तो यहाँ पर ये आइटम यहाँ कम बिकती है, लोग इसको यहाँ कम यूज करते हैं। अच्छा, क्योंकि इसका महत्व तो नहीं समझते लोग, ये बहुत पैसे वाले लोग ही, अच्छे लोग ही इसको ले सकते हैं। पर यहाँ लोग वो करते हैं कि भाई दशहरी ज्यादा आता है इसका, तो किलो में दो ही दाने आते हैं। अच्छा, इसलिए इसको थोड़ा लोग क्वांटिटी में जो है लोग खरीद, क्योंकि क्वांटिटी कम आती है तो लोग 5-10 दाने आ जाते हैं किलो में। अच्छा, तो इसलिए इसको जो है ऐसे सबसे बहुत ही वैरायटी ये है। अच्छा, बहुत ही भयंकर है और बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, और इसकी लागत भी और इसमें क्रॉप भी बहुत आता है। अच्छा जी, और इसमें रेटे भी बहुत लगती है क्योंकि साइज इसका बहुत बड़ा होता है। ओके, तो इसमें हमें इसमें फायदा है। मैं कहता हूँ इसको भी लगाओ, किसान सारे जितने भी है इसको भी लगाओ और अपना फायदा उठाओ इससे भी। तो ये भी, तो ये देखिए दोस्तों ऑर्गेनिक खेती का जो है मैंने आपको दिखाया अभी, तो ये लंगड़ा जो है बनारसी भी इसको कहते हैं। मैं एक बात किसानों को यही कहूंगा कि जो ये रासायनिक खाद आप डालते हैं तो उससे जो है क्या फर्क पड़ेगा कि आपका इसका जो कॉलर है ये बिल्कुल भी नेचुरल नहीं होगा और ये खराब हो जाएगा। अगर आप नहीं डालोगे, नहीं करोगे गोबर की खेती, आजकल हरा घास है, हरा घास उखाड़ते रहिए, तौलिए साफ रखिए, इसमें बिल्कुल भी मतलब होना चाहिए, और जो हरा घास उसी में डाल दो तो इसकी खाद बन जाती है। अच्छा, इससे ये है कि भाई ये आप देख रहे हैं इसकी ये सफाई है, ये सफाई है इसकी, आप इसको देख लो कि और खेती की जो मेन चीज है ये है, ये इसकी सफाई है, ये साफ है। अगर आप रासायनिक डालोगे तो ये साफ नहीं होगा और जल्दी खराब हो जाएगा। ये 7-8 दिन तक, हफ्ते तक, जैसे व्यापारी भाई कह रहे थे कि भाई ये हफ्ते तक तो 7 दिन तक तो कभी बिल्कुल भी मोचर पर नहीं आता इसमें, इतना साफ होता इसकी। ये है इसकी वो क्या नाम खासियत, जो मेरे बगीचे की जो खासियत है इसमें ये है कि हमने अभी तक आज 20 साल का पेड़ हो गया है तो हमने कभी भी इसमें रासायनिक खाद नहीं डाल रखी, क्योंकि इसमें हमारे सहयोगी DP सिंह जी है, तोमर साहब है डॉक्टर से, उनकी सलाह से भी हमने ये पूरी खेती कर रखी है और पूरी वो हमें जानकारी जुटाते रहते हैं, और उनको भी अभी फ़ोन करूंगा और फ़ोन के साथ जो है उनको भी मैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी की जो है ऑर्गेनिक खेती का कितना फायदा है, और जो जितना कम रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाए उतना ही खेती के लिए ज्यादा महत्व। लोग हैं यहाँ पर जो ये पैकिंग कर रहे हैं और ग्रेडिंग कर रहे हैं, क्या नाम है भैया? दीपक कुमार। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सालिम। मोहम्मद सालिम, कहाँ से आए हैं सर? रोडू से, रोडू हिमाचल। हिमाचल, रोडू डिस्ट्रिक्ट हिमाचल से। तो आप लोग जो है कहाँ कहाँ पे अपने जो है वो खरीदते हैं, किस किस जगह से आप अपना? मैसेल अटाल से, ज्यादातर तो आम अटाल में होता है। और ये थोड़ा परे हो गया, अनु हो गया, अनु जी, और आस पास के गाँव से, इधर से। तो ऐसा क्या है, आप लोग जो यहाँ के मैंगोज में ऐसा क्या क्वालिटी है? बहुत अच्छा है ये, बिल्कुल साफ है, कालापन इसमें बिल्कुल नहीं है। कालापन, और इसका जो है कितने दिन तक रह जाता है, जैसे आप अभी बल्क में ले जा रहे हो तो जब ले जाएंगे? ये तो वैसे तैयारी है, कोई दवाई नहीं लगाते इसमें, कोई केमिकल नहीं है। ओके, और जी सर ये बहुत अच्छा खुद ही पक जाता है, ये 2-3 दिन में बहुत अच्छा कलर आ जाएगा इसमें, पक जाएगा, पक्का हुआ अभी है, पर 2-3 दिन में कलर आ जाएगा। तो आपका जो कंजप्शन है, जो खपत है, वो कहाँ कहाँ की, आप कहाँ भेजते हो? ये सर रोडू हो गया और चढ़गांव हो गया। अच्छा जी, जितना रोडू का जितना इलाका है, जितने गाँव है, सब जगह सप्लाई होती है। ओके ओके, तो दोस्तों अब जो है पूछते हैं कि इन किसानों से कि जो है किस प्रकार से इन्होंने पूरी साल भर मेहनत की है और किस प्रकार से इनकी जो है आम की खेती जो यहाँ पर जो हुई है। तो राणा जी आप बताएं कि जो है आपको इस बार जो है कैसी फसल है आपकी? इस साल तो फसल बढ़िया थी, फूलों की अच्छी थी, लेकिन आसमान जो मौसम था मौसम ने बहुत मार कर दी, बहुत ड्रॉप हो गई। क्योंकि हमने मेहनत की है, दवाइयाँ सप्ले भी किया था इसका, क्योंकि बीमारी की वजह से, तो फिर भी हमने इसको बचा ही लिया है, अच्छी फसल हुई है मतलब अपने। तो आपके जो ये मैंगोज है यहाँ पर, क्योंकि ये जो है पहाड़ी एरिया होता है तो यहाँ पर आम में थोड़ी ठंड भी होती है, इस वजह से आम थोड़ा लेट भी आता है, 930 का एलिवेशन है। तो आप
आप ये बताइए कि यहाँ आपके आम में जो है वो क्या क्वालिटी है? सबसे मेन जो मेरा बगीचा है, मैंने जो बगीचा तैयार किया है उसमें सबसे मेन चीज ये की मैंने कभी भी रासायनिक खाद का प्रयोग उसमें नहीं किया है। इसमें अपनी हरी खाद, गोबर की खाद और अधिकतर दवाई का भी हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। इसमें भी ऑटोमेटिक ये इस तरह से बचा रखा अपने पेड़ को कि भाई ये ओरिजिनल खेती के हिसाब से हम इसको काम कर रहे हैं, तो इसमें इसलिए खराब नहीं होता। तो जो ये इलाका है, जो तलहटी का इलाका है, टोंस नदी का जो घाटी का इलाका है जहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो वहाँ पर आप क्या सजेशन देंगे, क्या सलाह देंगे किसानों को कि बागवानी में क्या फायदा है? जैसे आप बागवानी को अगर देखते हैं तो आपको क्या फायदा हुआ है बागवानी करके? बागवानी में मैं सभी को ये कहना चाहूंगा किसानों को कि हड़ताल में आम की लीची की खेती बहुत उपयोगी है और 3 साल में अगर मेहनत करेंगे आप 3-4 साल में ये क्रॉप करना शुरू कर देता है और ऐसी भरमार फसल होती है कि मेरे शायद नीचे भी नहीं होती है। फिर दूसरी चीज़ एक बड़ा की यहाँ की है कि भाई यहाँ जो है आम कभी भी खराब नहीं होता है। ये 10 दिन तक 15 दिन तक आप ऐसे रखेंगे कभी भी इसमें सिकुड़ापन कभी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें छिलका जो है काफी मोटा होता है, सख्त छिलका होता है और अंदर से गिरी इसमें बिल्कुल नहीं होती है, बहुत पतली होती है। अच्छा। दशहरी ये प्योर दशहरी है और इसकी बहुत अच्छी वैरायटी। तो आपके बगीचे में कौन कौन सी वैरायटी अभी लगी हुई है? इसमें ऐसे प्योर दशहरी है, टोटल 100 पेड़ है, 100 पेड़ में से जो है दशहरी ज्यादा है। फिर लंगड़ा भी है, लंगड़े की मैं आपको वैरायटी दिखाऊंगा, और अमरपाली भी है, अमरपाली बहुत अच्छा हो रहा है। लीची भी है, लीची के बहुत अच्छी। अच्छा, यहाँ पर बहुत तो अच्छा अभी आपका जो है जो इस एरिया के जितने भी किसान हैं तो उन लोगों को जो है इसकी मार्केट में क्या क्या दिक्कत आती है? जो मार्केट में जो, क्योंकि यहाँ से जो है ये पहाड़ी एरिया है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ उतना बढ़िया मार्केट मिल पाता हो, तो लेकिन मार्केट में आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? नहीं, हमारे को मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, चीज बढ़िया होनी चाहिए, माल बढ़िया होना चाहिए। हमारे लिए जो है ये रोडू शिमला नेरुआ आपका जितना भी हिमाचल है खुद लोग आते हैं, सहारनपुर से 2 साल ले गए, सहारनपुर के खुद ही उल्टा यहाँ से मेरा आम ले गए नीचे, बहुत अच्छे पैसे कमाए। उन्होंने कहा कि ऐसा आम हमने कभी देखा नहीं, अगस्त के महीने में ये वैरायटी आपको शहरों में कहीं नहीं मिलेगी, मेरा दाम प्रकाश का अनुमान है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हो कि भाई कितना बढ़िया वो है, कितनी बढ़िया वैरायटी है और कितना बढ़िया आम है, साफ सुथरा है, मंडी मार्केट में बहुत अच्छे रेट में बिकता है और बिना रासायनिक खाद का ये जो है, जो ये क्वालिटी देखिए, ये जो है बिल्कुल ऑर्गेनिक क्वालिटी है, तो ये आप देख सकते हैं पेड़ में ही लगभग पका हुआ है, तो इसमें जो है 1 दिन के बाद ये जो है कलर आना शुरू होता है। तो आप जो है यहाँ क्या रेट मिलता है आपको, जो है जितने भी व्यापारी जो बाहर से आते हैं तो वो किस भाव से आप आपके जो है आम वगैरह लेते हैं यहाँ से? हमारे 30-35 रुपए किलो बिकता है यहाँ, सबसे टॉपर में हमारा बिकता है यहाँ पर। अच्छा, क्योंकि वो वैरायटी देखते हैं, माल देखते हैं, साफ सुथरा देखते हैं कि हम बिल्कुल भी इसमें किसी प्रकार का वो नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई कुछ व्यापारियों को ऐसे करते हैं कि भाई कुछ नीचे बिठा कुछ पत्ते ऊपर कुछ और देखा दिया, व्यापारी को घाटा होता है। तो हमारी ये वैरायटी नहीं, हमारी ये वैरायटी है कि पेड़ में भी अच्छी है, पत्ते से भी हम व्यापारी को खुश होकर लोग व्यापारी आते हैं जाने की कोई जरूरत नहीं। हमारे को कहते लोग कि मार्केट में बड़ी दिक्कत आती है, मार्केट में कभी दिक्कत नहीं आती, चीज की कभी दिक्कत नहीं आती, अगर चीज आपके पास बढ़िया वैरायटी। तो अभी आपका क्या प्लान है, जैसे कि आपने अभी ये बगीचा तैयार किया है तो आपका अभी का आगे का क्या प्लान है? क्योंकि जैसे कि लोग यहाँ पर जो है जो पहाड़ी एरिया है सब लोग सेब और चीजों की बागवानी में आजकल सेब की एक से बढ़कर एक वैरायटीज आ रही है और बहुत सारे लोग उसमें लगे हुए भी है, तो आपका क्या प्लान है आगे का? अब हमारा क्या प्लान है, हमारा तो ये कि भाई अगर सेब भी लगाना चाहे तो सेब के लिए भी जमीन है और एक सेब की वैरायटी आ रही है बहुत बढ़िया। तो मैं ये कहता हूँ रोज नए बेरोजगार लोगों को कि सब लड़के यंग जो भी बेरोजगार हो वो अपनी खेती पर जोर दे। हमने खुद नौकरी छोड़ करके खेती अपनाई है, खेती से ही हमने बच्चों को पढ़ाया है और आज हमारे को पेड़ खुद पाल रहा है, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं आती। हम तो ये सोचते हैं कि भाई खेती में काम करें, बगीचा लगाओ। एक से टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट सेब की दिखा रही है, आपको 1 साल में 2 साल तो सेब लगता है, तो उसमें अगर मेहनत करोगे तो मेहनत का फल जरूर मिलेगा। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर और ऑल द बेस्ट आपकी जो है इस बार फसल जो है वो भरपूर फसल हो और आपको अच्छे दाम मिले। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। अब इसके बाद जो है हम बात करेंगे व्यापारी जी से। तो अब हम बात करते हैं व्यापारी जो यहीं पे आए हैं सब चीज लेने के लिए और ये काफी दूर से यहाँ आए हैं, तो इनसे जानते हैं कि ये जो है यहाँ पर किन किन क्षेत्रों से अपना माल खरीदते हैं। नमस्कार, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। नाम मोहम्मद ताजिर। कहाँ से हैं आप? हम रहने वाले नजीबाबाद से काम करते हैं,
रोडू डिस्ट्रिक्ट रोडू हिमाचल में। तो आप जो है कितने सालों से ये फलों का काम कर रहे हैं? ये फलों का काम तो करीबन 18-19 साल हो गए काम। 18-19 साल बहुत लंबा पीरियड है 18-19 साल का। तो आपने जो है मतलब आप किन किन फलों का काम करते हैं? सिर्फ आम का या फिर एप्पल का भी करते हैं? एप्पल का भी करते हैं, मैंगो का, ओके, और बनाना बनाना का भी काम करते हैं। तो आप जो है मैंगो का जो है किस किस एरिया से अभी जो है ले जाते हैं? आप जो मैंगो को अभी यहाँ से अटाल से अनु से फिलहाल लास्ट चला हुआ, नीचे काम खराब हो चुका है। ओके, नीचे का खराब, राणा जी काम बहुत बढ़िया है। जी जी जी, तो ये राणा जी काम हर साल पिछले साल भी हमें ले गए थे। ओके ओके, क्वालिटी भी अच्छी है, छिक्कल मोटा है, गुठली गिठल जो अंदर का वो बहुत बारीक है। ओके, तो ये जो है कितने दिनों तक रह जाता है आपका? क्योंकि फलों के काम में क्या होता है कि फल खराब जल्दी होते हैं, जैसे आम केला वगैरह ये सब जल्दी खराब होते हैं। तो इसमें जो जो ऑर्गेनिक है ये जो बिना किसी खाद बिना किसी रासायनिक खाद के प्रयोग से पैदा किया जाता है, तो ऑर्गेनिक ये कितने दिनों तक टिक जाता है आपका? जो करीबन 7-8 दिन तक टिक जाता है, बिल्कुल पेड़ से निकालने के बाद जो 7-8 दिन तक जाता, कोई खराबी नहीं आती इसमें। अच्छा, एक दाना खराब नहीं होगा, जैसा भरेंगे वैसा ही निकलेगा। ओके, तो ये जो है आप कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं? ये हम इसको रोहडू, चलगांव, कुडू, अंटी, सावड़ा। अच्छा अच्छा, तो वहाँ से आप लोग जुब्बल तक सप्लाई करते हैं। तो आप लोगों को इसमें मार्जिन रहता है, बढ़िया मार्जिन रहता है, छक्के रोजी मिल जाती है बहुत। और अभी आप जो है इसके बाद जो है किन किन लोगों से आपने इस बार कितना माल उठाया आपने लगभग इस एरिया से? मैं तो आज ही आया हूँ यहाँ। अच्छा, भाई था मेरा यहाँ पर। ओके जी, उन्होंने करीब 400-500 क्रेटे इस एरिया से, 400-500 क्रेटे निकाली है। बहुत बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलकर। जो है आप लोग जो है छोटे छोटे किसानों का जो माल खरीदते हैं घरों में जाकर ही, उनको भी फायदा होता है क्योंकि उनको भी एक मार्केट मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत। पहले रेट नहीं मिलते, अब रेट मिल रहे हैं किसानों को, बढ़िया रेट मिल रहा है, माल भी अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें खूब मुनाफा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।